तो भाई मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K23 की एक और मजेदार वीडियो में। और आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना टीम अथॉरिटी फेस करेगी भाई टीम ट्राइबल रैंक्स को। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैच और देखते हैं कि आज के हमारे इस 8-man टैग टीम एलिमिनेशन मैच में टीम अथॉरिटी टीम ट्राइबल रैंक्स को हराएगी या फिर टीम ट्राइबल रैंक्स टीम अथॉरिटी को हराती है। ठीक है चलो भाई दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज टीम अथॉरिटी टीम ट्राइबल रैंक्स को हरा पाएगी? और आज आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैं जानता हूं भाई ज्यादातर लोग टीम ट्राइबल रैंक्स को ही सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि भाई टीम अथॉरिटी को उतने ज्यादा लोग पसंद करते नहीं है। लेकिन भाई अपने समय में टीम अथॉरिटी भाई क्या ही हुड़दंग बचाया था इन्होंने WWE में। भाई उस समय तो ट्रिपल एच को देख के भी इतना गुस्सा आता था ना कि भाई ट्रिपल एच हमेशा ही जो नेगेटिव रोल के सुपरस्टार हुआ करते थे ना उन्हीं का साथ देते हैं करके। लेकिन यार ये तो WWE की एक स्ट्रेटेजी होती है ना ताकि सुपरस्टार्स को बिल्ड किया जा सके। लेकिन भाई आज टीम अथॉरिटी का जो सामना है ना वो टीम ट्राइबल रैंक्स है भाई जो कि भाई अनबीटेबल है अभी तक WWE में। लेकिन हाँ भाई आज टीम ट्राइबल रैंक्स में ना मैंने ओमिनी मैन की जगह डेन्यू ब्रायन को जगह दी है क्योंकि डेन्यू ब्रायन भाई टीम अथॉरिटी के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। तो भाई जब अथॉरिटी का मैच होगा तो उसमें डेन्यू ब्रायन का होना तो बनता है ना। चलो भाई मैच स्टार्ट हो गया पहले मैच को स्टार्ट करेगा कौन? अच्छा डेन्यू ब्रायन और रैंडी ने मैच को शुरू किया है। पहले फिनिशर कौन लगाएगा? रैंडी ने लगा दिया था पहला फिनिशर। रैंडी भाई दो दो बार आरकीओ लगाने से चूक गए रैंडी ऑर्टन। भाई डेन्यू ब्रायन बच के रहना रैंडी भाई फिनिशर लगाने के चक्कर में है बचा लिया। सेथ रॉलिंस ने बचा लिया फिलहाल सेथ ने बचा लिया। ब्रॉक सेथ को बाहर फेंको बहुत ही अच्छा भाई सेथ को बाहर फेंक दिया ना यार। आज तो डेन्यू ब्रायन भी सही लड़ रहे हैं दो के दो इनके जो आरकीओ थे वो लगने नहीं दिए उन्होंने। सीना की बारी है सीना की किस्मत खराब है यार पहला आरकीओ सीना की किस्मत में ही था क्या? डेन्यू ब्रायन तो बच गए आरकीओ से लेकिन सीना नहीं बच पाया। सीना को दूसरा भी पड़ेगा भाई रिवर्स कर दिया बैड है सीना खतरनाक है। अरे भाई क्या आरकीओ लगाया है भाई 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 देखा आप लोगों ने भाई रैंडी ऑर्टन ने क्या आरकीओ लगाया भाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो भाई वीडियो को पीछे करके देखो क्या आरकीओ लगाया था भाई रैंडी ने सीना को। सीना ने पहला आरकीओ रिवर्स किया तो दूसरी बार आके लगाया भाई रैंडी ने अपना। भाई 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 क्या मैच हुआ है भाई आज भाई रैंडी ऑर्टन ही टीम अथॉरिटी के भाई एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं आज के मैच में। लेकिन देखते हैं भाई अभी तो ट्राइबल रैंक्स बचे हुए हैं ना अपने फिलहाल रैंडी के पास कोई फिनिशर वगैरह नहीं है लेकिन रोमन के पास दो दो फिनिशर हैं। अब मार खाएंगे रैंडी ऑर्टन मुझे ऐसा लगता है। रोमन एक काम करो अपने कॉर्नर पर ले आओ भाई इनको यार सीना इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। वो भी बैड एस सीना यार नॉर्मल सीना होते तो मैं भी मानता चलो लेकिन बैड एस सीना इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गए भाई 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 भाई, भाई। रैंडी को मानना पड़ेगा भाई। और वैसे भी आज मैंने टीम अथॉरिटी में जो रैंडी ऑर्टन लिए है ना भाई वो डैडी ऑर्टन है जो कि अभी रिटर्न हुए 2023 में जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई अपने डैडी ऑर्टन। वैसे देखा जाए तो ये टीम रोमन स्क्वाड का ही एक भाग है लेकिन आज टीम अथॉरिटी का साथ देके भाई अपनी ईमानदारी साबित कर रहे हैं ट्रिपल एच के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन को फिनिशर लगाना चाहिए क्योंकि रैंडी भाई मौका देंगे नहीं। चलो डेन्यू ब्रायन को टैग मिलेगा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्योंकि डेन्यू ब्रायन की हेल्थ बहुत ज्यादा है ना फिनिशर तो लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। डबल टीम चलो डबल टीम कर दिया ना भाई फिनिशर तो लगा डेन्यू ब्रायन फिनिशर तो लगा सकता है यार। ओरे भाई फिनिशर लगेगा लगेगा रनिंग नहीं लगेगी भाई रनिंग नहीं रिवर्स कर दी रैंडी भाई क्या जरूरत थी भाई यार कम से कम एक फिनिशर तो पढ़ने देते। चलो सेथ रॉलिंस को लगा दो फिनिशर लगा दो सेथ को लगा दो डेन्यू ब्रायन को लगा दिया यार। डेन्यू ब्रायन को लगा दिया पहला फिनिशर स्टोन तो लगाया लेकिन नहीं मेरे हिसाब से रिवर्स कर देंगे रिवर्स तो कर देंगे भाई। अरे फिर से दूसरा स्टोन भी लगा दिया अच्छे से रिवर्स कर दे रैंडी ने रिवर्स करवा दिया भाई थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं भाई टीम रोमन का भी। भले ही रैंडी आज टीम अथॉरिटी की तरफ है ना तो अपने रोमन स्क्वाड की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं भाई वो जानते हैं कि भाई वैसे तो परमानेंट टैग टीम में रोमन स्क्वाड में रहना है ना उन्होंने। ब्रॉक के पास फिनिशर है लगाएंगे क्या पहले फिनिशर? अरे यार फिनिशर क्या हो गया आज टीम ट्राइबल रिंग्स को हो क्या गया आज आज मार खा रही है भाई। अच्छा ओमनी मैन नहीं है इसलिए मार खा रही है मेरे हिसाब से। अगर ओमनी मैन होते ना तो मैच का रिजल्ट शायद आज बदल सकता था लेकिन अभी तक हाँ मैच में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। फिनिशर फिनिशर रिवर्स मत करना यार सेट F5। वैसे अगर देखा जाए तो आज मैंने टीम अथॉरिटी का जितने भी सुपरस्टार है ना उन सभी का ओवरऑल भी 100 किया हुआ है। अच्छा ब्रॉक ने अरे यार फिनिशर लगा रहे थे लेकिन ब्रॉक
सेथ रॉलिंस का भी फिनिशर रिवर्स कर दिया। ब्रॉक फिनिशर है आपके पास, फिनिशर फिनिशर बहुत अच्छा। अभी तो सेथ मुझे लगता है रिवर्स नहीं कर पाएंगे, पर रिवर्स मत करना यार सेथ। F5, चलो सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दे। केन सर आ चुके, फिनिशर है केन सर के पास। दो दो तीन तीन फिनिशर है यार, दो दो नहीं, केन सर के पास तीन फिनिशर है, यानी कि तीनों के तीन फिनिशर को ब्रॉक लेसनर रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा ट्राइबल रिंग्स को उल्टा चौक स्लैम, अबे उल्टा चौक स्लैम लगा रहे हैं यार केन सर, वो भी उल्टा वाला। अच्छा ट्रिपल एच को क्यों तोड़ रहे हो भाई ब्रॉक, केन सर को तोड़ने की बारी, बच के रहना इनसे, फिनिशर है इनके पास। सुप्लेक्सिटी ब्रॉक सु, अरे सु, वाह भाई वाह, क्या किया है भाई ब्रॉक लेसनर ने, क्या काम किया है भाई, चौक स्लैम ट्रिपल एच ने बचा लिया। केन सर का चौक स्लैम केन सर को ही लगा दिया भाई, अब लगाएंगे ना F5 भाई, अपने बुचर ब्रॉक से बचना मुश्किल है। F5 ये है ना भाई, देखो अपनी बनाई हुई टीम इसे कहते हैं, कोई भी टीम आ जाए भाई एलिमिनेशन तो पक्का। रैंडी को अगर एलिमिनेट कर देते हैं ना तो ट्रिपल एच के बस की बात नहीं है कि भाई टीम ट्राइबल रिंग्स को एलिमिनेट कर दे। अरे यार पेडिग्री रिवर्स, ब्रॉक रिवर्स कर दो, अरे रिवर्स, वाह भाई वाह, जियो भाई ब्रॉक, क्या काम किया है भाई तुमने आज भाई, अपने बुचर ब्रॉक भाई, बुचर ब्रॉक ओपी होना चाहिए भाई। जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो बुचर ब्रॉक के लिए एक तो भाई ओपी होना चाहिए, क्योंकि आज भाई दो दो बंदों को एलिमिनेट किया, तीसरे बंदे को मत कर देना यार एलिमिनेट ब्रॉक, ये तो कुछ ज्यादा ही हद हो जाएगी तुम्हारी। रैंडी को अगर हरा दिया ना, यानी कि रैंडी को अगर एलिमिनेट कर देते हैं मैच से, तो भाई ट्राइबल रिंग्स के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रोमन के पास दो फिनिशर सिग्नेचर है, रोमन के पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है, लगा दिया। अच्छा लो भाई, लो 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 लो, पर पेडिग्री रिवर्स कर दी रोमन, यार रोमन तुम्हारी किस्मत खराब है यार। ट्रिपल एच ने भाई पेडिग्री रिवर्स कर दी, रोमन फिनिशर स्पेयर, लेकिन स्पेयर रिवर्स नहीं कर पाओगे बेटे। ट्रिपल एच बचा लिया, रैंडी ने बचा लिया, ट्रिपल एच गए थे। अभी एक फिनिशर और है भाई, एक फिनिशर और है, अगर एक फिनिशर और है फंसा के पिन कर रहे हैं भाई। ट्रिपल एच बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, फंसा के पिन कर रहे हो भी ट्राइबल रैंक्स को। नहीं नहीं नहीं, संभावना ही नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं जीतने का। रैंडी से बच के, रैंडी से बच के रोमन, ट्राइबल रैंक्स नहीं बच के, ट्राइबल रैंक्स नहीं बख्शेंगे भाई, किसी को नहीं बख्शेंगे ट्राइबल रैंक्स। अच्छा ब्रॉक रिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें अभी, खाली मैच से काउंट आउट मत हो जाना। रोमन एक काम करो, डेन्यू ब्रायन को टैग दे सकते हो, क्योंकि उसके पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है। चलो रैंडी के पीछे चपत लगा दिया ना, अरे रिवर्स कर दिया रैंडी ने। रैंडी के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है, अगर कनेक्ट करेंगे तो भाई ट्राइबल रिंग्स के बचने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी यार। मैच बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट में, रैंडी जब तक मैच में है ना तब तक जीतने की संभावना बहुत कम है ट्राइबल रिंग्स की। अच्छा डबल टीम करेंगे एवोल्यूशन के मेंबर। ट्रिपल एच के पास फिनिशर, दो दो फिनिशर है ट्रिपल एच के पास, पैरों को कमजोर कर रहे हैं और स्टंट भी होने, रोमन स्टंट हो गए यार, रोमन हो गए स्टंट भाई। रोमन पेडिग्री मत खाना भाई, पेडिग्री मत खाना, मैं अभी भी कह रहा हूं तुमसे, वरना मैच से एलिमिनेट हो जाओगे भाई। तुमसे ही उम्मीदें हैं यार सबसे ज्यादा, और तुम्हारे फैन भी सबसे ज्यादा है, तो भाई तुम्हें एलिमिनेट नहीं होता। रोमन फिनिशर है ट्रिपल एच के पास, दो दो, अच्छा फिनिशर दो और एक सिग्नेचर है, फिर से डबल टीम कर रहे हैं। रैंडी के पास भी एक फिनिशर और एक सिग्नेचर है, यानी कि ट्राइबल रिंग्स काफी बड़े खतरे में है, अब हवा में उड़ के नीचे गिरे हैं। अच्छा आरकेओ या पंट किक, रिंग के नीचे चले गए रैंडी भी और रोमन भी। वैसे बुचर ब्रॉक का पूरा ध्यान रैंडी ऑर्टन की तरफ है, क्योंकि वो जानते हैं भाई कि ये वो सांप है ना जो कभी भी डस सकता है, तो भाई ब्रॉक को अपने हाथ में भाई सपेरी वाली बीन रखनी पड़ेगी। लगाएंगे फिनिशर के, नहीं 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 फिनिशर नहीं लगाया। अच्छा पंट किक देने जा रहे हैं क्या, नहीं 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 टैग देने जा, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, ट्राइबल रिंग्स ने बड़ा अच्छा काम किया। फिनिशर है यार, क्या कर रहे हो यार डेनियम ब्रायन, पेडिग्री नहीं नहीं, मेरे हिसाब से पिन तो नहीं, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा भाई, मैं सोच ही रहा था कि पिन तो नहीं होना चाहिए यार। डेनियम ब्रायन तो एक फिनिशर तो लगाओ यार, कम से कम एक बंदे को तो एलिमिनेट करो। अपने बुचर ब्रॉक ने दो दो बंदे एलिमिनेट किए हैं और तुमने अभी तक एक भी एलिमिनेट नहीं किया है, तुम्हें मैच में इसलिए तो नहीं रखा था यार, तुम टीम रोमन को हरा दो करके। आर क्यों पड़ेगा अब। अच्छा रैंडी अभी अपने फिनिशर वगैरह लगा नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि टीम ट्राइबल रिंग्स की तरफ थोड़ी बहुत लॉयल्टी तो दिखा रहे हैं भाई रैंडी ऑर्टन।
लेकिन यार आज के मैच में बैडेस सीन है, इतने जल्दी एलिमिनेट हो गए भाई, मैंने कभी सोचा नहीं। रैंडी ने आरकीओ भी तो जबरदस्त लगाई ना, पहली आरकीओ अगर रिवर्स हुई तो दूसरे में लगा दिया ना, इसलिए पेडिग्री पड़ गई। पेडिग्री ट्रिपल, अच्छा ट्रिपल एच भी एलिमिनेट नहीं हुए अभी तक। रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लेंगे, रेजिलेंसी के बिना ही किक आउट कर दिया यार। अच्छा रोमन को टैग देने की क्या जरूरत थी यार डेनियल ब्रायन, रोमन को टैग किस लिए दिया भाई, रोमन के पास कहां हेल्थ है बताओ अब। मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में ट्राइबल रिंग्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं। रोमन फिनिशर आ गया आपके पास, बिल्कुल भी गलती मत करते, स्पेयर बहुत अच्छा भाई। अच्छा रोमन पिन करने की क्या जरूरत है, बेइज्जती भी कम करो ना, आरकीओ पड़ेगा। गए भाई ट्राइबल रिंग्स भी गए। अच्छा ये डेनियल ब्रायन अब तक फिनिशर लगा क्यों नहीं रहा भाई, फिनिशर, अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई फिनिशर लगा दिया, फिनिशर लगा दिया, बाप रे बाप। ये डेनियल ब्रायन ने फिनिशर लगाया या फिर क्या लगाया भाई, एक ही बार में एलिमिनेट कर दिया रैंडी को। तो चलो भाई आज के हमारे टीम अथॉरिटी वर्सेस टीम ट्राइबल रिंग्स के मैच में ना टीम ट्राइबल रिंग्स ने टीम अथॉरिटी को क्लियर टू कट हरा दिया है। तो चलो दोस्तों हमारा जो आज का मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, टाटा बाय बाय।